Welcome to Student Capri. This is Arshi Khan. Another video with me, जहाँ पे मैं एक university के बारे में बात करने वाली हूँ. University का नाम है Narasimha Muni Institute of Management Studies, which is also known as NMIMS Mumbai. इनके main campus की बात हम कर रहे हैं क्योंकि इनके और भी कई सारे campuses हैं. अगर हम इनके main campus की बात करें तो 1981 में establish हुआ था. It's a deemed to be university. NAAC का भी accreditation है and Mumbai, Maharashtra में located है ये college. अगर हम बात करें तो कई सारे UG, PG, PhD level courses कराता है. जो कोर्सेज कराता है उसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं. इंजीनियरिंग में आप बीटेक कर सकते हैं. बीटेक के अलावा भी इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमबीए भी कराता है, बीटेक प्लस एमटेक भी कराता है, इवन एमटेक भी कराता है. उसके अलावा बी फार्मा लेटरल एंट्री, बी फार्मा प्लस एमबीए कर सकते हैं. आप मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं, पीजीडीएम कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हैं, जिसमें आप बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम इट, यू नो, अगर हम बात करें तो आप एमसीए कर सकते हैं, आप BA LLB कर सकते हैं, BA LLB ऑनर्स कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, BSc, BSc प्लस MSc, MSc, MSc प्लस PhD इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, आप BA ऑनर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हैं, BCom ऑनर्स, BBA, BBA प्लस MMS, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं. अब हम बात करें कि क्या फी स्ट्रक्चर होगा अप्रोक्सीमेटली, तो वील हैव अ लुक ऑन द फी स्ट्रक्चर. अगर हम बात करें, यू नो, इनके बीटेक में किन किन स्ट्रीम्स में ये कराता है, किन किन ब्रांचेस में कराता है, तो कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इवन डेटा साइंस में आप कर सकते हैं. जो फी स्ट्रक्चर है वो फी टैक के आसपास का एक स्ट्रक्चर आपको पड़ जाएगा. उसके अलावा ये जो कोर्स के लिए नोन है, ये मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा नोन है. अगर आप बीटेक की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि बीटेक के लिए नोन नहीं है, बट ये मैनेजमेंट एमबीए के लिए ज्यादा नोन है. तो अगर हम एमबीए की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रीम्स में आपको जनरल मिल जाएगा, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, ये सारे मिल जाएंगे. फिर उसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स में कर सकते हैं आप, फैमिली मैनेज बिजनेस में एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं, बिजनेस लॉ में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में कर सकते हैं. फी स्ट्रक्चर जो है वो समवेयर अराउंड 9 लाख के आसपास पड़ेगा आपको ईयरली फी स्ट्रक्चर. उसके अलावा अगर हम बीबीए की बात करें तो आप बीबीए भी कई सारी स्ट्रीम में कर सकते हैं, जनरल में कर सकते हैं, उसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग में कर सकते हैं. फी स्ट्रक्चर जो है समवेयर अराउंड 4 लाख के आसपास रहता है. उसके अलावा आप बीएससी कर सकते हैं, आप लाइट स्टैटिस में, फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में फी स्ट्रक्चर जो है इसका भी जो है वो 2 लाख के आसपास रहता है, वेरस आप पीजीडीएम कर सकते हैं. उसके अलावा आप मास्टर्स ऑफ साइंस कर सकते हैं, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी में कर सकते हैं आप. एमटेक कर सकते हैं कई सारी स्ट्रीम्स में, भले वो हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सभी में कर सकते हैं. जो ईयरली फी स्ट्रक्चर होता है वो 1 लाख के आसपास का रहता है. उसके अलावा आप एम फार्मा प्लस एमबीए भी कर सकते हैं, यहाँ से पीएचडी लेवल कोर्सेज कर सकते हैं. एम फार्मा कर सकते हैं 2,80,000 के आसपास का, 2,90,000 के आसपास का फी स्ट्रक्चर होता है. मास्टर्स ऑफ लॉ एलएलएम कर सकते हैं, 1,25,000 के आसपास का फी स्ट्रक्चर होता है. उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं. नाउ वी विल हैव अ लुक कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो अगर हम एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फॉर एनी कोर्स यू नीड टू हैव मिनिमम 50% इन योर यूजी, इन योर 12th, और अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50 होनी चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये, बट सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ऑल टोटल डिफरेंट होता है. क्योंकि अगर हम बीटेक की बात करें तो इनका एग्जाम होता है, NMIMS का इन पार्ट का एग्जाम होता है. उसके अलावा जेईई मेंस के बेसिस पे भी रूल करता है. एमटेक, एमसीए और लॉ कोर्सेज के लिए इनका इंटरव्यू बेसिस पे एंट्रेंस टेस्ट होता है. बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए नाटा के बेसिस पे रूल करते हैं. बीएससी, एमएससी, ये सारे कोर्सेज के लिए जो है वो मैरिटरी मतलब 12th percentile पे एडमिशन होता है. बीकॉम, बीबीए, बीए, बी डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसमें भी एनपैट का इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर वेरियस कोर्सेज. अगर हम बात करें एमबीए, पीजीडीएम की, तो एनपैट का एग्जाम होता है. बीएलएलबी और BA LLB और BB LLB की बात करें तो इसमें CLAT और LSAT का एग्जाम के बेसिस पे लेता है. वेरस अगर हम बी फार्मेसी की बात करें तो MHCT का एग्जाम होता है. और उसके अलावा अगर आप PhD कोर्सेज की बात करें तो PhD कोर्सेज के लिए GPAT, GATE का एग्जाम ये लेता है. कुछ कोर्सेज में एडमिशन आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट कुछ कोर्सेज में एडमिशन आर क्वाइट डिफिकल्ट. इफ आई टॉक अबाउट
MBA और इवन अगर हम BBA की बात करें तो एडमिशन जो है वो इतना इजी नहीं होता है, बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज करा रही है, फीस स्ट्रक्चर आप किसी भी कॉलेज का देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, बट हर कोर्स का प्लेसमेंट एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जिस कोर्स के लिए लोन है, अगर आप MBA करना चाह रहे हैं, अनडाउटेडली यू नो इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको, बिकॉज इट इज़ अमंग टॉप यू नो 20-30 बी स्कूल्स इन इंडिया, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो MBA का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप BBA में जा रहे हैं तो प्लेसमेंट्स मिलेंगे, बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद MBA, बिकॉज यू नो आपको BBA करने के बाद कहीं ना कहीं MBA करना पड़ता है। और एक और मेरा सजेशन ये है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप जो BBA में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उतना वर्थ होगा अगर आप NMIMS मुंबई से करते हैं, बिकॉज आई विल टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप MBA के लिए जाते हैं तो नोबडी आस्क यू कि आपने ग्रेजुएशन से क्या किया, दे आस्क यू फॉर योर प्रोफाइल कि आपका 10th में कितना परसेंट आया था, 12th में कितना था, ग्रेजुएशन में कितना था, आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, आपने कैट में कितना स्कोर किया है, आपने NMAT में कितना स्कोर किया है, उस बेसिस पे इनरोलमेंट होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या उतना इन्वेस्टमेंट वर्थ होगा या नहीं। तो अगेन जो एडमिशन प्रोसेस है आपको उनकी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन आपको एप्लीकेशन की ई पेमेंट करनी पड़ती है, जो आई थिंक 1500 के आसपास का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस बेसिस पे आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे दे रहे हो तो आपको पहले वो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उस स्कोर के बेसिस पे आप फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो, देन आपको एडमिशन मिलता है। अब अगर हम बात करें यू नो किसी भी कॉलेज में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है प्लेसमेंट्स की, क्या मुझे यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट ऑफर्ड बाय NMIMS मुंबई, दैट इज़ यू नो एवरेज पैकेज ये 17.5 लाख का क्लेम कर रहे हैं, हाईएस्ट जो है वो 34 लाख का क्लेम कर रहे हैं, 160 कंपनीज पार्टिसिपेटेड, 44 नए रिक्रूटर्स थे इसमें, ऑलमोस्ट यू नो लाइक अगर हम बात करें तो कई सारी कंपनीज हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, कंसल्टिंग, आईटी, एनालिटिक्स, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, मीडिया, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, कई सारी कंपनीज थी। बट मेरा अगेन डाउट है क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है वो उनकी MBA का है, what I am able to understand, but हर कोर्स का स्पेसिफिक प्लेसमेंट क्या है वो कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर आप भी ये देख रहे हैं कि 17 लाख का एवरेज है तो आपको तो लगेगा कि यार मुझे तो यहाँ जाना चाहिए, बट बॉस रुको, सोचो समझो, जो कॉलेज दिखा रहा है, जो यूनिवर्सिटी दिखा रही है उसको मत देखो, जो नहीं दिखाया जा रहा वो देखो, आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उस कोर्स के स्टूडेंट से पता करो कि क्या रियल में प्लेसमेंट स्टार्ट है। और अगर आप नहीं रीचा आउट कर पा रहे हो तो नीचे एक फॉर्म दिया है जिसको जाके आप फिल कर सकते हो, और उसमें आप अपने कोर्स के रिलेटेड स्टूडेंट से बात करके डिटेल्स दे सकते हो। अगर हम इसके अलावा बात करें कि ये कॉलेज ओवरऑल कैसा है, तो ये कॉलेज मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर आप एक्सपोजर वाइज बात करें तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी है, आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, भले वो हम स्पोर्ट्स रूम की बात करें जिसमें आपको कई सारे यू नो आउटडोर कोर्ट्स जिसमें आपको बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, आपको फुटबॉल, ये सभी मिल जाएंगे, इंडोर गेम्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, और उसके अलावा आपको हॉस्टल फैसिलिटीज और सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी इस कॉलेज के अंदर। सो ओवरऑल अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो इस कॉलेज के अंदर सॉर्टेड है, बट सोशल लाइफ सॉर्टेड होने से ये ज़रूरी नहीं कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी अच्छी बन जाती है। यू हैव टू मेक दिस थिंग श्योर बाय एनालाइजिंग कि आप अगर ये सोचोगे कि यू नो मैं यहाँ से बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं देखूँ कि MBA का प्लेसमेंट क्या गया है और उस बेसिस में एडमिशन लूँ, तो यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। सो डू एनालाइज प्रॉपरली, एंड दिस वाज अ वीडियो ऑन NMIMS मुंबई, होप I was able to clear all your queries and doubts. If you left out with any question, you don't have to keep it in your mind. You just let me know in the comment section below. And apart from it, do not forget to like, share and subscribe, because we'll also come up with a lot of videos jahan pe hum students se baat karenge aur unke views batayenge different courses ke bare mein aur kai sari universities ke bare mein. To uske liye channel ko subscribe karna bilkul bhi nahi bhulna hai, aur saath mein jo bell notification icon hai उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू नो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लेकर आऊं वो आप तक जरूर पहुंचे। टिल देन सी, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट गाबरी।